डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंजाई के एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फंजाई जीनस का नाम है सेप्रोलेग्निया। सेप्रोलेग्निया फंजाई के मेस्टिगोमाइकोटीना सब डिवीजन का मेंबर है और मेस्टिगोमाइकोटीना के अंतर्गत फ्लैजिलेटेड फंजाई आते हैं। वे फंजाई जिनके लाइफ साइकिल में फ्लैजिला का निर्माण होता है। तो आइए देखें कि सेप्रोलेग्निया किस तरह का फंगस है, इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है और इसके और दूसरे कैरेक्टर्स किस तरीके के होते हैं। देखिए, सेप्रोलेग्निया इसको हम लोग कॉमनली वाटर मोल्ड भी कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो मोल्ड शब्द है, ये एक जगह और हमने आप लोगों को बताया था जब हमने आपको पेनिसिलिन पढ़ाया था, पेनिसिलियम, जिससे हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। तो पेनिसिलियम को हम लोग ग्रीन मोल्ड या ब्लू मोल्ड भी कहते हैं और यहाँ सेप्रोलेग्निया इसको हम लोग वाटर मोल्ड कहते हैं। दोनों के दोनों अलग अलग सब डिवीजन के मेंबर्स हैं। पेनिसिलियम एस्कोमाइकोटीना का मेंबर है और सेप्रोलेग्निया ये मेस्टिगोमाइकोटीना का मेंबर है। इसके अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपके सामने है। सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटीना, क्लास उमाइसिड्स, ऑर्डर सेप्रोलेग्नियस, फैमिली सेप्रोलेग्नियसी एंड जीनस सेप्रोलेग्निया। अकरेंस पाया कहाँ पे जाता है? सेप्रोलेग्निया इज ए कॉमन इन सॉयल एंड वेल एरेटेड फ्रेश वाटर पॉन्ड। ये सॉयल में और वेल एरेटेड फ्रेश वाटर पॉन्ड यानी पॉन्ड के सॉयल में और पॉन्ड के वाटर में मिलता है। सो इट इज एन एक्वेटिक फंगस, ये जली फंगस है। मोस्ट ऑफ देम कॉलोनाइज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। जो पानी के अंदर डेड प्लांट्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, उसके ऊपर ये ग्रो करता रहता है। और इसके अलावा कुछ स्पीसीज जो हैं, जैसे कि सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका, इट इज पैरासिटिक ऑन फिश। पानी के अंदर जो फिश होती हैं उसके अंदर जो सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका है वो पैरासाइट की तरह ग्रो करती है। और मछलियों में ये साल्मन डिजीज नाम की बीमारी पैदा करती है और इस बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ये मैंने आप लोगों को इमेज यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये एक फिश है, एक्वेरियम की फिश, जिसमें कि ये सेप्रोलेग्निया का इन्फेक्शन होने की वजह से ये देखिए इसकी डेथ हो गई है। चारों ओर ये उसके ऊपर ये माइसिलियम सेप्रोलेग्निया का ग्रो कर रहा है। थैलस स्ट्रक्चर देखें तो जो माइसिलियम है सेप्रोलेग्निया का, ये प्रोफ्यूजली बाउंड ब्रांच्ड होता है, बहुत अधिक ब्रांचिंग इसमें पाई जाती है। एसेप्टेट होता है, एसेप्टेट यानी सेप्टा नहीं बनते हैं। सीनोसिटिक होता है, जब सेप्टा नहीं बनेंगे तो जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो सब एक ही साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, तो सीनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन हुआ। हाउएवर द सेप्टा डेवलप बिलो द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण होता है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जूस पोरेंजिया या गैमेटेंजिया का जब इसमें निर्माण होता है, तो उस दौरान उन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बेस पर इसमें एक सेप्टा का निर्माण होता है। अगर इसका वेजिटेटिव फेज का थैलस देखें तो दो तरीके का थैलस होता है। राइजोइडल हाइफी इसमें पाया जाता है, दूसरा एक्सटर्नल हाइफी। तो जो राइजोइडल हाइफी होते हैं वो सबस्ट्रेटम यानी इसका जो होस्ट है जिसके ऊपर ये पैरासाइट है उसके ऊपर, या सेप्रोफिटिक मोड ऑफ लाइफ में जब ये ग्रो कर रहा है तो जिस भी सबस्ट्रेटम के ऊपर ये ग्रो करता है उसके अंदर ये छोटे छोटे माइसीलियम प्रोड्यूस करता है और वहां से ये जो है फंगस को एंकर करने का काम करता है। एंकर यानी सबस्ट्रेटम में पकड़े रहने, होल्ड करने का काम करता है। और दूसरा काम होता है इस राइजोइडल हाइफी का, ये अपने सबस्ट्रेटम से यानी जिसके ऊपर ग्रो कर रहा है वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर करके बाकी माइसीलियम तक पहुंचाना। तो राइजोइडल हाइफी का काम एंकरेज यानी सबस्ट्रेटम को, यानी कि इसके माइसीलियम को इसके सबस्ट्रेटम में होल्ड रखना, और दूसरा काम होता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। ये राइजोइडल हाइफी का काम होता है, ये शॉर्ट होते हैं। दूसरे जो हाइफी हैं, जो एक्सटर्नल हाइफी जो बाहर होते हैं सबस्ट्रेटम से जिसके ऊपर ग्रो कर रहा है, उसके बाहर आप दिख रहे हैं इस फिश के ऊपर जितना भी ये माइसीलियम दिख रहा है ये एक्सटर्नल हाइफी है। जो राइजोइडल हाइफी होंगे इस फिश के अंदर होंगे। सो एक्सटर्नल हाइफी दे आर वेल ब्रांच रिमेन ऑन आउटसाइड ऑफ द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के बाहर रहते हैं। और दीज हाइफी फॉर्म द विजिबल पार्ट ऑफ द फंगस। जो आपको बाहर से हाइफी दिख रहा है फंगस का, वो विजिबल माइसीलियम ये एक्सटर्नल हाइफी का ही बना होता है।
They develop in all the directions and produce reproductive organs in later stages. इन्हीं external hyphae में ही जो है बाद की अवस्थाओं में reproductive structures का निर्माण होता है. Now the vegetative reproduction. इसमें दो तरीके से vegetative reproduction है. एक तो fragmentation, most common method. algae में भी, fungi में भी, कि इनके vegetative mycelium break होते हैं छोटे-छोटे pieces में mechanical injury से या किसी और तरीके से करके fragments mycelium के टूट जाते हैं तो ये जो टूटा हुआ फ्रेगमेंट है ये दोबारा ग्रो करके एक नया माइसीलियम बना देता है. जेमी कभी कभी क्या होता है कि जो हाइफल टिप्स होते हैं सैप्रोलेग्निया के हाइफी के जो टिप्स होते हैं ये टिप्स पर इसमें कुछ स्वेलिंग आ जाती है स्वेलिंग और उस स्वेलिंग पोर्शन में न्यूक्लियाई आ जाते हैं एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल आ जाता है और ये बाकी माइसीलियम से सेप्टम के द्वारा सेपरेट हो जाते हैं. तो वो जो कुछ हाइफी के एपिकल पार्ट में जो स्वेलिंग आ जाते हैं उसको हम लोग जो है जेमी या क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं और ये जब टूट के अलग होते हैं तो एक नया माइसीलियम जर्मिनेट करके बना लेते हैं. दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बाइफ्लेजलेट जू स्पोर्स के द्वारा होता है और ये जू स्पोर्स क्लब से यानी मुद्गर के आकार के जू स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और ये जो जू स्पोरेंजिया होते हैं हमेशा हाइफी के टिप पर बनते हैं. और जैसे ही ये जू स्पोरेंजिया का निर्माण होता है सबसे पहले क्या होता है कि जो हाइफल टिप होता है उसके बेस में एक सेप्टा बन जाएगा. सेप्टा बनने का मतलब अब ये पार्ट अलग हो गया ये पार्ट जो अलग हुआ छोटा सा पार्ट है वो पार्ट अब जू स्पोरेंजिया में कन्वर्ट होगा. तो जितने भी इसके जू स्पोरेंजिया होते हैं वो देखे गए हैं कि हमेशा उनका जो टिप होता है वो समवट पॉइंटेड होता है और इसी जू स्पोरेंजिया के अंदर जो इनके प्रोटोप्लाज्म होता है वो जू स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है. क्योंकि ये सीनोसिटिक होते हैं मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन इनके थैलस में होती है इनके इनके माइसीलियम में होती है तो जू स्पोरेंजियम के अंदर जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो एक एक जू स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जू स्पोर्स पियर शेप्ड के होते हैं यानी नाशपाती के आकार के होते हैं यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और इन जू स्पोर्स के ऊपर एपिकल एंड पर दो फ्लैजला होते हैं. दोनों फ्लैजला में से एक फ्लैजला विप्लैश टाइप का होता है और दूसरा फ्लैजला टिनसेल टाइप का होता है. मैंने आपको पहले भी बताया कि विप्लैश जो होता है वो सिंपल प्लेन फ्लैजला होता है जिसके ऊपर कोई अपेंडेजेस नहीं पाए जाते और टिनसेल फ्लैजलम में फ्लैजला के साथ साथ छोटे छोटे फ्लैजलर हेयर्स या मैस्टिगोनीम्स पाए जाते हैं. ये जो जू स्पोर्स हैं जो जू स्पोरेंजिया के अंदर बने ये प्राइमरी जू स्पोर्स कहलाते हैं और ये जो प्राइमरी जू स्पोर्स होते हैं ये जू स्पोरेंजिया का एपिकल पार्ट जब डिसॉल्व हो जाता है गल जाता है उसके जिलेटिनाइजेशन होने के बाद ये प्राइमरी जू स्पोर्स जू स्पोरेंजिया से निकल जाते हैं और कुछ देर तक ये जू स्पोर्स पानी के ऊपर पानी के अंदर जो तैरते रहते हैं. कुछ देर स्विमिंग के बाद ये फिर सेटल डाउन हो जाते हैं और सेटल डाउन होने के बाद ये अपने जो फ्लैजिला होते हैं इनको फिर ये वापस अपने अंदर अपने जू स्पोर्स के अंदर ये रिट्रैक्ट कर लेते हैं खींच लेते हैं और नॉन मोटाइल हो जाते हैं. दो तीन घंटे रेस्ट करने के बाद ये जो जू स्पोर्स हैं सो कॉल्ड जू स्पोर्स जो कि अब सेटल डाउन कर चुके हैं सबस्ट्रेटम पर ये जर्मिनेट करके एक नया जू स्पोर बनाते हैं जिसको हम लोग सेकेंडरी जू स्पोर्स कहते हैं. यानी प्राइमरी जू स्पोर का निर्माण जू स्पोरेंजिया के अंदर होता है. जू स्पोरेंजिया से ये प्राइमरी जू स्पोर्स निकलते हैं कुछ देर स्विम करते हैं फिर सबस्ट्रेटम पे सेटल डाउन करते हैं. फिर इन प्राइमरी जू स्पोर्स से दोबारा एक नया जू स्पोर निकलता है जिसको हम लोग सेकेंडरी जू स्पोर कहते हैं और ये जो सेकेंडरी जू स्पोर्स होता है मॉर्फोलॉजिकली प्राइमरी जू स्पोर से भिन्न होता है दूसरे तरीके का होता है. इसका जो शेप होता है वो किडनी शेप्ड होता है या बीन शेप्ड होता है और इसमें जो फ्लैजिला होते हैं वो लैटरली इंसर्टेड होते हैं यानी साइड से इसमें फ्लैजिला का इंसर्शन होता है. जबकि प्राइमरी जो जू स्पोर्स होते हैं वो पियर शेप्ड होते थे और उसमें एपिकली इंसर्टेड फ्लैजिला होते थे यानी ऊपर की तरफ इसमें फ्लैजिला का इंसर्शन होता है और सेकेंडरी जू स्पोर्ट में साइड से फ्लैजिला का इंसर्शन होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड टिप ऑफ हाइफा है जो कि जू स्पोर में कन्वर्ट होने जा रहा है. सेप्टम का निर्माण होता है. सेप्टम का निर्माण होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये जू स्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाता है. इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियाई हैं अपने चारों ओर प्रोटोप्लाज्म को इकट्ठा करते हैं और जो है ये सेपरेट होकर के ये मेटामॉर्फोज हो जाते हैं जितने भी न्यूक्लियाई हैं प्राइमरी जू स्पोर्स में.
ये प्राइमरी जूस पोर्स जो उसकी जूस पोरेंजिया की एपिकल वॉल है उसके जिलेटिनाइजेशन होने से उसके गल जाने से ये प्राइमरी जूस पोर्स बाहर निकलते हैं और ये जो जूस पोर्स हैं ये कुछ देर पानी में तैरते हैं। इनका शेप देखिए, इनका जो शेप है ये किस तरह का है, पियर शेप नाशपाती के आकार का है और इसमें दो एपिकली इंसर्टेड फ्लैजिला है। फ्लैजिला कहाँ से निकल रहे हैं, एपिकल एंड से निकल रहे हैं। ये जूस पोर्स कुछ देर पानी में तैरने के बाद सेटल डाउन हो गए, ये देखिए रेस्टिंग स्टेज में आ गए सेटल डाउन होने के बाद, और इनके जो फ्लैजिला है वापस रिट्रैक्ट हो जाते हैं, जूस पोर के अंदर चले जाते हैं और फिर यहाँ इसी रेस्टिंग स्टेज से दूसरा सेकेंडरी जूस पोर निकलता है, यानी प्राइमरी जूस पोर के रेस्टिंग स्टेज से सेकेंडरी जूस पोर का निर्माण होता है। ये सेकेंडरी जूस पोर देखिए इसका शेप चेंज हो गया, किडनी शेप या बीन शेप्ड हो गया, है ना, जैसा कि आपने देखा होगा राजमा होता है, राजमा के शेप का हो गया और यहाँ इसके साइड से लैटरल पोजीशन से यहाँ पर फ्लैजिला निकल रहा है। पहले एपिकल पोजीशन से फ्लैजिला निकल रहा था, एपिकल एंड से जो है फ्लैजिला निकल रहा था, यहाँ पर लैटरल पोजीशन से जूस पोर के लैटरल पोजीशन से फ्लैजिला निकल रहा है, इसको हम लोग सेकेंडरी जूस पोर्स बोलते हैं। ये सेकेंडरी जूस पोर भी कुछ देर तक पानी में तैरते हैं और फिर ये भी सेटल डाउन होते हैं। अब सेकेंडरी जूस पोर से अब धीरे धीरे क्या होता है, किस तरह जर्मिनेशन जब होता है तब एक छोटा सा जो है जर्मिनेटिंग हाइफी माइसीलियम निकलता है और वो जर्मिनेटिंग माइसीलियम फिर से एक नए थैलस को जन्म देता है। तो ये जो जो एंसिस्टर सेकेंडरी जूस पोर्स है, यानी दोबारा जूस पोर जो बने सेकेंडरी जूस पोर, उनके सेटल डाउन होने के बाद जो होता है ये जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट करके एक जर्म ट्यूब बनाते हैं और एक पूरा माइसीलियम बना लेते हैं। इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल, इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो तरीके के जूस पोर्स का निर्माण होता है, प्राइमरी जूस पोर और सेकेंडरी जूस पोर, जो कि मॉर्फोलॉजिकली भिन्न होते हैं। एक खास बात और है इसमें कि सेप्रोलेग्निया के जो स्पोरेंजिया होते हैं, जो जूस स्पोरेंजिया हैं, इनका प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन मतलब कि एक जूस स्पोरेंजिया के अंदर बार बार रिपीटेडली नए जूस स्पोरेंजिया का निर्माण होता रहता है, यहां देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ जूस स्पोरेंजिया, ये सेप्रोलेग्निया की बड़ी विशेषता है। जो ये पहला जूस स्पोरेंजिया ये निकल गया, इमेज नंबर आप डी को देखिए, ये एम्प्टी जूस स्पोरेंजियम है। इस एम्प्टी जूस स्पोरेंजियम के अंदर जब क्या होता है कि जब ये जूस पोर्स निकल जाते हैं, प्राइमरी जूस पोर्स निकल जाते हैं, ये खाली हो गया, अब इसके अंदर दोबारा फिर से एक नए जूस स्पोरेंजियम का निर्माण हो जाता है। इमेज नंबर जे देखिए, ये देखिए एम्प्टी जूस स्पोरेंजियम है, इस एम्प्टी जूस स्पोरेंजियम के अंदर फिर से एक दोबारा जो है जूस स्पोरेंजियम का निर्माण हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ जूस स्पोरेंजिया। और ये जो जूस स्पोरेंजिया जो दूसरा जो जूस स्पोरेंजियम बना पहले वाले के अंदर, उसकी भी जो ओपनिंग होती है वही जो पहले जूस स्पोरेंजियम बना हुआ था वही उसी टिप के थ्रू ओपनिंग होती है, टिप भी जिलेटिनाइज हो जाएगी, दोनों टिप जिलेटिनाइज हो जाएगी और यहाँ से ये जो नए जूस स्पोरेंजियम है, ये जूस पोर्स है, ये निकल जाते हैं और ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। यानी एक जूस स्पोरेंजियम के अंदर दूसरा जूस स्पोरेंजियम, उसके अंदर तीसरा जूस स्पोरेंजियम, ये प्रोसेस ये सेप्रोलेग्निया की खास बात है कि जहां से जूस स्पोरेंजियम बना वो खाली हो गया जूस पोर निर्माण के बाद, उसके अंदर दोबारा उसी जूस स्पोरेंजियम के अंदर एम्प्टी यानी खाली जूस स्पोरेंजियम के अंदर दोबारा एक नया जूस स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। फिर उसी से जो है उसी के एपिकल एंड से जो है सारे जूस पोर्स निकलते हैं, फिर पता चला तीसरा उसी के अंदर जूस स्पोरेंजियम सेम पोजीशन पे ही, एक ही दो जूस स्पोरेंजियम के अंदर तीसरे जूस स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस रिपीटेडली कई बार ये होती रहती है और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ जूस स्पोरेंजियम, यानी एक ही जूस स्पोरेंजियम में बार बार नए जूस स्पोरेंजियम का निर्माण। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, सेप्रोलेग्निया से रिलेटेड, द प्रोसेस ऑफ फेनोमेना ऑफ डायप्लेनेटिज्म। जो डायप्लेनेटिज्म घटना है, डायप्लेनेटिज्म फेनोमेना है, ये क्या होता है कि जब सक्सेसिवली दो अलग अलग तरीके के जूस पोर्स बनते हैं, प्राइमरी जूस पोर और प्राइमरी जूस पोर से सेकेंडरी जूस पोर, सिंगल ऑर्गेनिज्म में, जब एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म में उसके लाइफ साइकिल के दौरान दो अलग अलग तरीके के जूस पोर्स बनते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, इस घटना को हम लोग डायप्लेनेटिज्म कहते हैं। सेप्रोलेग्निया एक डायप्लेनेटिक फंगस है क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट जूस पोर्स का निर्माण होता है इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो सेप्रोलेग्निया में प्रोलिफरेशन ऑफ स्पोरेंजिया भी है, सेप्रोलेग्निया में डायप्लेनेटिज्म भी
ये घटना भी हमें देखने को मिलती है। नाउ कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ओगैमस टाइप का होता है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर होमोथैलिक और मोनोशियस, मींस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक ही थैलस पर बनते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि हेट्रोथैलिक या डायोकियस हो सकती हैं। सबसे पहले आते हैं ओगोनियम पर। ओगोनियम ये जो हाइफल टिप है, यानी हाइफा की जो टिप है, इसके माइसीलियम में वो टिप पर एक स्वेलिंग आने लगती है, जैसे ओगोनियम का निर्माण होता है वहां पर एक राउंड स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, वहां स्वेलिंग आ जाती है और उसका जो स्वेलिंग जो टिप है वो टिप अल्टीमेटली स्फेरिकल या ग्लोबोस हो जाता है, गेंद की तरह संरचना बन जाती है। उसके बेस पर जैसी ये स्वेलिंग आकार में बड़ी होती है, वो सेप्टम के द्वारा बाकी माइसीलियम से पृथक हो जाता है। तो इस तरीके से जो है जब ओगोनिया का निर्माण होता है तो ओगोनियम बाकी वेजिटेटिव माइसीलियम से सेप्टम के द्वारा सेपरेट हो जाता है। ओगोनिया का जो शेप है वो स्फेरिकल है या ग्लोबोस है, और जैसे जैसे मेच्योरिटी होती जाती है वो ओगोनियम की, ये चारों ओर से एक स्मूथ थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाता है अपने चारों ओर। कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि ये जो आउटर वॉल होती है ओगोनियम की वो स्पाइनी हो जाती है, नुकीली कांटेदार, और इसी ओगोनियम के अंदर चूंकि ये सीनोसिटिक फंगस है, मल्टी न्यूक्लियट फंगस है, तो उसके अंदर ओगोनियम के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियाई होते हैं, और ये हर एक न्यूक्लियाई क्या होता है कि अपने चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा करते हैं, थोड़ा उनका साइटोप्लाज्म कंसंट्रेट होता है और ये ऊ स्फीयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऊ स्फीयर या एग। अतः जो सेप्रोलेग्निया है उस सेप्रोलेग्निया के एक ओगोनियम के अंदर ढेर सारे ऊ स्फीयर्स या ढेर सारे एग्स का निर्माण होता है। जनरली एक सेप्रोलेग्निया के एक ओगोनियम में 4 से 10 ऊ स्फीयर्स या एग का निर्माण होता है, लेकिन कई बार इनकी संख्या इससे ज्यादा भी देखी गई है। हर एक स्फीयर का जो कलर होता है वो डार्क कलर का होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, और इसमें एक सिंगल लार्ज या किसी किसी में ढेर सारे ऑयल ग्लोब्यूल्स भी पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया दे आर ऑल्सो मल्टी न्यूक्लिएट इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बट दे आर स्मॉलर देन द ओगोनिया। इनका निर्माण भी ओगोनियम के आसपास ही होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं लेकिन ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इलोंगेटेड होता है, जबकि जो ओगोनियम होता है उसका जो आकार होता है, उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल या ग्लोबोस होता है, एंथ्रीडियम का इलोंगेटेड होता है। और ये जनरली सेम ब्रांच से, जिस ब्रांच से ओगोनिया का निर्माण होता है उसी ब्रांच से जो है एंथ्रीडिया का भी निर्माण होता है, आस ही पास उगते हैं। ये देखा गया है कि एक ओगोनिया के आसपास ढेर सारे एंथ्रीडियल ब्रांचेस का निर्माण होता है, और ये जो एंथ्रीडियम होते हैं वो चारों ओर से ओगोनियम को घेर लेते हैं और इस ओगोनियम से एकदम चारों ओर से चिपक जाते हैं। ठीक, आप इस इमेज को देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए, ये माइसीलियम है, इसमें ओगोनियम का निर्माण हो रहा है, ये सिंगल ग्लोबोस ओगोनिया, और इसी के हाइफी से जिससे कि ओगोनियम का निर्माण हो रहा है, ये एंथ्रीडिया का निर्माण होता है, और जनरली एक ओगोनियम के आसपास कई सारे एंथ्रीडिया का निर्माण होता है और ये एंथ्रीडिया ओगोनिया से जाकर के चिपक जाते हैं। जहां पर ये चिपकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां पर होता है एंथ्रीडियल एंड ओगोनियन वॉल का, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर क्या होता है कि एंथ्रीडियल साइड से एक छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो कि ओगोनिया के वॉल को पियर्स करते हुए भेदते हुए अंदर चला जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब, यानी एक एंथ्रीडियम से फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकलता है जो कि ओगोनियल वॉल को भेदते हुए ओगोनिया के साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। यह फर्टिलाइजेशन ट्यूब कई बार देखा गया है कि उसमें ब्रांच्ड होता है, और एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब से जो है ये इसके अंदर जो एंथ्रीडियर बने हुए हैं, उस एंथ्रीडिया के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस माइग्रेट करके ओगोनियम के अंदर जाता है और किसी एक स्फीयर या एग सेल को फर्टिलाइज कर देता है। ठीक, तो जो एंथ्रीडियम है, ये ढेर सारे एंथ्रीडियम एक ओगोनियम के आसपास से निकलते हैं,
और जहां पर वो अटैच होते हैं गोनियम की वॉल से, वहां से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकलती है। वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो होती है वो यूगोनिया के वॉल को पियर्स करते हुए कॉन्टेक्ट बनाती है यूगोनिया और एंथ्रीडिया के बीच में। अब क्या होता है कि एंथ्रीडियल एंथ्रीडियम के अंदर जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई माइग्रेट करके यूगोनियम में जाते हैं और वहां पर जो ढेर सारे यूस्फीयर्स हैं उनमें जाकर के एक न्यूक्लियस एक यूस्फीयर के दूसरे न्यूक्लियस से फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बना लेता है। तो इस तरीके से इसमें फर्टिलाइजेशन जो है फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा होता है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है तो जो यूस्फीयर है यूगोनियम, इस यूगोनियम के चारों ओर एक थिक सेल वॉल बन जाती है जिसको जिसकी वजह से जो यूगोनियम है वो यूस्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यानी पहले यूगोनियम था, यूगोनियम के अंदर ढेर सारे आपके यूस्फीयर थे और यूस्फीयर फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने चारों ओर जितना यूगोनियम अपने चारों थिक सेल वॉल बनाता है और उसको हम लोग यूस्पोर के नाम से जानते हैं। यानी कि यूगोनियम कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद यूस्पोर में और यूस्पोर के चारों काफी थिक सेल वॉल होती है। अब ये जो यूस्पोर हैं, यानी स्पोर कब बने, फर्टिलाइजेशन के बाद में, ये जो यूस्पोर हैं कुछ समय तक ये पीरियड ऑफ रेस्ट में पड़े रहते हैं और इसके बाद आफ्टर सम टाइम यूगोनियल वॉल जो होती है आफ्टर रेस्टिंग पीरियड जब इनका पूरा हो जाता है तो ये यूगोनियल वॉल इनकी जो है वो डिजेनरेट हो जाती है और यूस्फीयर्स जो होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं और हर एक यूस्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करके एक नया वेल डेवलप्ड माइसीलियम बनाता है। तो यूगोनिया फर्टिलाइजेशन के बाद यूस्पोर में कन्वर्ट हुई, यूस्पोर के अंदर ढेर सारे फर्टिलाइज्ड यूस्फीयर्स पड़े हुए हैं, वो यूस्फीयर्स जो है जब इसकी यूस्पोर की वॉल डीजेनरेट हो जाती है तो ये बाहर निकलते हैं और ये जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं और ये जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करने के बाद ये फिर से एक नया माइसीलियम बनाते हैं। इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग कि ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट हुआ, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा होता है, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद एक यूगोनियम के अंदर ढेर सारे यूस्फीयर फर्टिलाइज हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि ये जो यूस्पोर्स हैं ये जो है जर्मिनेट होने लगते हैं और आफ्टर पीरियड ऑफ रेस्ट पर जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम बनाते हैं और ये माइसीलियम जो होता है एक नया सोमैटिक हाइफी तैयार कर लेता है। इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है।